कैंप का आयोजन किया गया जिसमें दिव्यांग बच्चों का परीक्षण कर चिन्हित किया, जिन्हें 24 जनवरी को सहायक उपकरण वितरित किए जाएंगे। राया में समग्र शिक्षा अभियान के तहत कस्बा राया के मांट रोड स्थित प्राथमिक विद्यालय पर 6 साल से 14 साल के दिव्यांग बच्चों को ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, छड़ी, कान की मशीन आदि उपकरण वितरित किए जाएंगे, जिसको लेकर आज कैंप का आयोजन किया गया जिसमें दिव्यांग बच्चों का परीक्षण कर चिन्हित कर उपकरण वितरित किए जाएंगे, जिसे लेकर खंड शिक्षा अधिकारी जाकिर हुसैन और नगर पंचायत के अधिशासी अधिकारी अखिलेश कुमार ने फीता काट कर शुभारम्भ किया। खंड शिक्षा अधिकारी ने बताया, कैंप लगाकर 6 साल से 14 साल के दिव्यांग बच्चों को उपकरण जिसमें ट्राई साइकिल, व्हील चेयर, छड़ी, कान की मशीन आदि का वितरण 24 जनवरी को एलिको उपस्कर कृत्रिम निर्माण अंग निगम कानपुर संस्था द्वारा वितरित किया जाएगा। अमित अग्रवाल, मथुरा, समाचार 24। किया गया है समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत हमारी एक विंग है समेकित शिक्षा, जो कि दिव्यांग बच्चों के लिए काम करती है। उसी के अंतर्गत आज ये प्राथमिक विद्यालय राया में, विकासखंड राया में, ये उपकरण मापन कैंप का आयोजन किया गया है। इसमें जो हमारे 6 से 14 वर्ष के दिव्यांग बच्चे हैं, उनको उपकरण की आवश्यकता होती है, तो उनको किस उपकरण की आवश्यकता है उसके लिए एलिम्को कानपुर से एक्सपर्ट आए हैं, उनका मेजरमेंट कर रहे हैं और उसके बाद उनको जैसी आवश्यकता होगी, जो चिन्हित आवश्यकता होगी, उसके अनुसार फरवरी महीने की 24 तारीख को ये उपकरणों का वितरण किया जाएगा। सर, कितने रजिस्ट्रेशन अब तक हो चुके हैं? अब तक 35 रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और बड़ी संख्या में लोग आए हैं। रजिस्ट्रेशन का कार्य जारी है, इसकी सही रिपोर्ट तो सायंकाल मिल पाएगी।